अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने वाले हैं हैदराबादी शादी में बनने वाला रेड चिकन। इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह है, ये इस तरह है। चिकन जो 1500 ग्राम्स, 1.5 किलो चिकन, ये स्पाइसेस रेड मिर्ची, नमक, हल्दी, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये नॉर्मल मिर्च है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, फूड कलर, गरम मसाला, मैं वन टीस्पून ली, आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं कम ज़्यादा। अदरक लहसुन 2 स्पून, बादाम, काजू, खसखस का पेस्ट, तली हुई प्याज, धनी, तेल, लेमन जूस, धनिया धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, टमाटो केचप, विनीगर, डार्क सोया सॉस। अब ये हम इसमें सब ऐड कर देंगे। चिकन में तेल थोड़ा ज़्यादा ही डलता। अब हम इसमें टमाटो केचप, ये स्पून के हिसाब से डालेंगे। अब हम इसको सब मिक्स कर देंगे। अब हम ये सब मिक्स कर देंगे। इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके हम 1 घंटे के लिए रख दिए थे इसको। हम जो चिकन जो है सो खुले बर्तन में पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं हम चूल्हे पे हाई फ्लेम पे चिकन रख दिए, ऊपर से बटर ऐड करें, उसके बाद हाई फ्लेम पे पकाएंगे हम। चिकन का मैं दूसरे चूल्हे पे रख चुकी हूँ। अब मैं खीर की रेसिपी बता रही हूँ आपको, क्योंकि आज मेरे घर एक गेस्ट आने वाले हैं, इसीलिए फास्ट करने का है मुझे। 1 लीटर दूध ली मैं, 100 ग्राम चावल, राइस, 100 ग्राम बादाम, ये डेकोरेट के लिए, शुगर 100 ग्राम, कंडेंस मिल्क। दूध ऑलरेडी मैं गर्म के लिए रख चुकी हूँ। अब हम चावल को ग्राइंड करेंगे, चावल बादाम दोनों को ग्राइंड करेंगे। अब हम दूध के अंदर चावल ऐड करेंगे। चावल और बादाम पीसने के टाइम पे मैं दूध ऐड करके उसको ग्राइंड करी। ये डालने पेस्ट डालने के टाइम पे एक हाथ से आप हिलाते जाइए। अब हम खीर में थोड़ा सा ज़ाफ़रान ऐड करेंगे। हाँ, शुगर,
हम कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं ना, शुगर इसमें की आधी ही डालेंगे, क्यों कंडेंस मिल्क मीठा होता, ज़्यादा मीठी हो जाएगी खीर। अब हमारी बादाम की खीर बनकर रेडी हो चुकी है कंडेंस मिल्क डाल के। अब हमारी खीर रेडी हो चुकी है, अब हम ज़ाफ़रान का एसेंस डालेंगे इसमें। हाँ, चावल में खीर में पानी मत डालिए। मैं 1 लीटर दूध गरम के लिए रखी थी, 1 लीटर दूध आधे हाफ लीटर में जैसे चावल पीसी मैं इसमें लेके। अब आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी बनी है खीर। पानी डालेंगे तो क्या होगा, बाद में ठंडी होकर पानी छोड़ देगी चावल। अब आप देख सकते हैं हमारा चिकन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन खीर रेडी हो चुकी है। चिकन में से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए और मुझे दुआओं में याद रखिए।